उत्तराखंड के लिए वोटिंग होगी, 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 7वें चरण में यूपी की भी 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। साथ ही दुधी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी कल मतदान होगा। आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी इसमें शामिल है जहां वोटिंग होनी है। उधर 6 चरणों में जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है और इसके बाद में निर्वाचन आयोग का पूरा जोर 7वें चरण के चुनाव को भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर है। पोलिंग पार्टियां आज मतदान स्थल के लिए रवाना होंगी और यूपी की 13 सीटों पर 144 उम्मीदवार हैं और कल 7वें चरण की वोटिंग के बाद में 4 जून को नतीजों का ऐलान होगा। सातवें और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाने हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट समेत कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये देश के नक्शे की वो तस्वीर है जहां आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाने हैं। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, पंजाब की भी 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मतदान होना है। लेकिन इन 57 सीटों में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर जैसी सीटें शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 400 पार का जो दावा किया जा रहा है वो सच साबित होकर रहेगा। सुनिए गाजीपुर में रोड शो के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। 400 पार हो, 4 तारीख को जनता को मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश और देश हमारी सीटों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। उधर गोरखपुर जैसी हाई प्रोफाइल सिटी पर चुनाव लड़ रहे रवि किशन के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया और यूपी को पूरी तरह से माफिया मुक्त कराने का वादा किया। उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त लगभग हो चुका है, जो बाकी एकाध बच्चे होंगे उनका भी सफाया हो जाएगा। उनके वॉर रूम में बाल नोचे जा रहे हैं, अब ब्लेम गेम शुरू होगा। 4 जून के बाद इसको कोसेंगे, उसको कोसेंगे। आप देखिएगा ना, ये 26 लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। हम लोग 5 जून के बाद फिर से हमारे पास लिस्ट आ जाएगी पूरे साल की। हम लोग कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में फिर 5 साल जैसे चलते हैं वैसे चलने लगेंगे और देश की सेवा, गरीबों की सेवा करेंगे। उधर वाराणसी सीट को लेकर कांग्रेस के अजय राय का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुंच गया। हम तो लगातार लगे हैं ना, हमारे कार्यकर्ता देखिए, हमारे दिन रात लोग लगे हैं। हमारे इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सबसे आगे है, जनता लड़ रही है। और वो जो लीड बढ़ाने की बात है, इस बार सबसे बड़ी लीड वो वक्त बताएगा। कह तो रहे हैं कि 14 नहीं रुके, 19 नहीं रुके, 24 में क्यों रुक रहे हो भाई बनारस में। आखिरी चरण की जंग में हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मंडी पर लोगों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं जबकि मंडी से कंगना रनौत पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ रहे अभिषेक बनर्जी पर हैं और बिहार की काराकाट सीट से भोजपुर स्टार पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी आखिरी चरण का यह रण दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने वाला है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के लिए संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि काशी के लोगों को 1 जून के लिए नया रिकॉर्ड बनाना है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए काशी भक्ति शक्ति की नगरी है। इस नगरी का प्रतिनिधि होना बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा से और आप काशीवासियों के आशीर्वाद से ही संभव है। ये नए भारत के निर्माण का चुनाव है। युवाओं का उत्साह बूथ पर दिखना चाहिए। बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो,
काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। साथियों, बीते 10 बरस में केंद्र सरकार के हर योजना में काशी हमार साथ देले हो, हमके मार्गदर्शन देले हो। बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम, काशी रिंग रोड का प्रोजेक्ट, बनारस के रेलवे स्टेशन का विकास, गंगा घाट के विकास से रोप वे प्रोजेक्ट तक हर योजना काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल के नए विकास से जोड़ ले हो। अभी विकास का गति आपके वोट से आगे बढ़े वाली हो। हमारे नामांकन के दिन युवा पीढ़ी कैसे एक अलग उत्साह में रहल, अब यह उत्साह हर बूथ पर दिखे, हमार यह आग्रह हो। वाराणसी में वोटिंग के लिए जागरूकता संदेश दिया गया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के जरिए वोटरों के लिए विशेष संदेश दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शाम के वक्त गंगा आरती में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। ना सिर्फ वाराणसी वासी बल्कि दूर दूर से भी जब लोग यहां पहुंचते हैं, तो ऐसे में जागरूकता संदेश दिया गया कि 1 जून को सभी लोग घर से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। तो आरती के जरिए देखिए, यहाँ पर 100% मतदान दियो के जरिए यह आकृति बनाई गई है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है कि वो अपना मतदान जरूर करें।